नमस्कार, देख रहे हैं वॉइस किंग चैनल। यहाँ पर एक वीडियो चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में एक सिपाही है और कहीं ना कहीं उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं कि हर थाने में कहीं ना कहीं सिपाहियों के साथ शोषण बहुत ज़्यादा किया जाता है। थाने में मौजूद जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं खाने से लेकर के हर समस्या के लिए वो कहीं ना कहीं सिपाहियों को प्रताड़ित करते रहते हैं। ये आप वीडियो देखेंगे, किस तरह से बिलख रहा है, किस तरह से रो रहा है। हालांकि ये वीडियो कहां का है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो खुदाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को शेयर करके माननीय श्री मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाइयों देख लो, तार अच्छी पर समस्त उच्च अधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियाँ खा रहे हैं। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूँ? या मेरे माँ बाप थोड़ी है, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मौजूद द्वारा, करना द्वारा, मैस मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को तीन करके जनता के बीच में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय के नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएस होने मुझसे कहा फोन कार्ड में बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा, मैं डीजीपी का पीएस में बोल रहा हूँ। एडीजी आ गए साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है? तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के बंदन निवेदन है, इस बच आए दिन आप देख रहे हो सिपाही आए दिन आत्महत्या कर लेते हैं, कोई सुनने वाला दबाते जाते आए दिन आत्महत्या कर रहा है सिपाही, मर जाते चले जाते, 2 घंटे का सुरदान किया ये लोग, मस्त की जिंदगी काट रहे हैं, हमारी कोई जिंदगी की महत्वता नहीं है, अपनी पेट की बात किसी से कहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं बुला रहा साहब, लोग नहीं बुला रहे, मैं नहीं आऊँगा साहब, कहाँ से नहीं जाऊँगा साहब, लेकिन मुझे तो मेरे पीछे बैठ जाऊँगा जाके साहब, थोड़ी समस्या मैंने कहा सर से साहब ऐसे करके।